हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज आप लोगों को दिखेंगे, देखिए मेरे पास एक तो काम आया है, ये टेनर डी, तो टेनर डी टू मॉडल है। इसको देखिए, टेनर इसका पीसी में लिखा हुआ मॉडल टेनर, तो इसमें बिल्कुल डिस्प्ले ख़राब है। तो इसको डिस्प्ले एक इंटरेस्टिंग बात है ना, इसको जो है कौन सा डिस्प्ले लगा रहा हूँ, तो एकदम क्या रहो जी ओरिजिनल जो होता है ना वही वाला डिस्प्ले लगा देंगे। तो उसको मतलब आप लोगों को दिखाएंगे कौन सा डिस्प्ले लगा रहा हूँ, क्या इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो टेनर डी टू मॉडल है, इसको डिस्प्ले बिल्कुल ख़राब है। देखिए इसको डिस्प्ले बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा इसको लाइट आ रहा है, देखिए हल्का सा इसको लाइट आ रहा है। तो देखिए टेनर डी टू मॉडल है, तो इसमें मैं डिस्प्ले चेंज करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले चेंज इसके लिए ये वीडियो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, देखिए कौन सा डिस्प्ले मैं लगा रहा हूँ और इसको प्राइस भी क्या आएगा आप लोग भी जान पाएंगे। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करते गाइस, ठीक है। तो इसको चलिए पहले तो इसको जो बैक पैनल ओपन कर लेता हूँ, तो उसके बाद फिर आप लोगों को मैं दिखाएंगे इसको डिस्प्ले। देखिए जो सर्विस सेंटर का ओरिजिनल होता है ना कैरोजी, तो कैरोजी डिस्प्ले यहाँ पे इसको लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए इसको, तो पीछे जो बैक पैनल है उसको ओपन कर लिया। अब इसको चलिए ऊपर का जो प्लास्टिक कवर लगा हुआ है, मतलब बोर्ड को जो कवर किया है, सर के स्क्रूप खोल के इसको ओपन कर लेता हूँ। चलिए इसको सर के स्क्रूप खोल लेता हूँ। तो अभी देखिए बिल्कुल मैं आप लोगों को दिखाएंगे, देखिए बिल्कुल। तो चलिए कौन सा डिस्प्ले अगर वो पहले इसको आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए बिल्कुल, अभी देखिए इसको मैं डिस्प्ले में लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए टेनर डी, देखिए इसको टेनर डी टू मॉडल है। तो इसको ये डिस्प्ले अंदर, चलिए इसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों। तो इसको डिस्प्ले कस्टमर का फायदा ज़्यादा है इसको डिस्प्ले चेंज करने के लिए। देखिए क्या ओरिजिनल जो मैं आप लोगों के साथ बोल रहा था, देखिए इसको 100% ओरिजिनल डिस्प्ले है। इसके साथ देखिए मिडिल फ्रेम भी सेट है, बैटरी भी सेट है, बिल्कुल ऑल कंप्लीट है इसके साथ। सिर्फ उधर का बोर्ड उसको उठा के इधर लाएंगे, देखिए बिल्कुल मिडिल फ्रेम के साथ इसको डिस्प्ले बिल्कुल सेटिंग है। देखिए यहाँ पे इसको ऊपर का जो एयर स्पीकर वो भी लगा हुआ है। तो इसको बिल्कुल देखिए, इसको सिर्फ उधर का चार्जिंग बोर्ड इसको और मेन बोर्ड जो उसको खोल के लगाएंगे। तो बैटरी देखिए बिल्कुल दोनों MS सेम टू सेम बैटरी है, बैटरी भी MS सेम टू सेम है। इसको मतलब बैटरी का सीरियल नंबर मॉडल जो भी आप लोग देखना चाहते हैं बिल्कुल 100% इसको सेम टू सेम है। देखिए सीरियल नंबर, उसके भी सीरियल नंबर, A to Z बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम है, इसको देखिए कोई अलग नहीं है। तो इसको देखिए क्या ओरिजिनल डिस्प्ले है इसका। तो इसका प्राइस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए इसको, देखिए इसको ओरिजिनल 100% जो क्या ओरिजिनल आते हैं, ये क्या ओरिजिनल डिस्प्ले है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ, इसको बना के शेयर करूँ, इसको मतलब ये डिस्प्ले में चेंज करूँ ना, तो इसको कौन सा डिस्प्ले में लगा रहा हूँ इसीलिए। तो हर कोई भी मॉडल में आप लोगों के साथ मैं डिस्प्ले चेंज का शेयर करता हूँ, डिस्प्ले कौन सा लगा रहा हूँ, तो इसको भी मैं इसको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। देखिए इसको 100% कैरोजियन डिस्प्ले मेरे को मिला है। मैं जब इसको परचेस किया ना, तो मैं भी पहले इसको देख कर मतलब समझ नहीं पाया था, इसके साथ बैटरी भी है, इसके साथ बैटरी भी दे रहे कंपनी, इसके साथ यार स्पीकर साइड में देखिए जो भी मतलब A to Z सेम टू सेम है, मतलब ओरिजिनल कोई कमी नहीं है, 100% ओरिजिनल है। तो चलिए इसको मैं बोर्ड को पहले ओपन कर लेता हूँ, चलिए उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं इसको। तो इसमें देखिए साइड में जो पावर बटन, इसको भी डिस्प्ले, कोई कस्टमर आया डिस्प्ले चेंज करने के लिए, तो देखिए बोर्ड को तो बाहर निकाल लिया। तो कस्टमर का फायदा ज़्यादा है, उसके साथ बैटरी भी उसको मिल जाएगा। देखिए बैटरी इसको ओरिजिनल बैटरी है, बैटरी ये बैटरी कितने दिन कस्टमर यूज़ किया उसका थोड़ा सा इसको मतलब डैमेज भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल बैटरी भी मिल रहा है। ये देखिए सेम टू सेम इसको, देखिए इसको यहाँ पे मिडिल फ्रेम में सेम टू सेम एक ही है, देखिए इधर का A to Z एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको बोर्ड उठाए लगा दीजिए बस। तो बहुत सारे मॉडल में आप लोगों को मैं दिखाया था मिडिल फ्रेम चेंज करने के लिए वीडियो। तो इसमें देखिए साइड में जो पावर बटन है वो भी बिल्कुल इसको मतलब ये भी ओरिजिनल, मतलब इसको साथ ही सेटिंग है। देखिए साइड में जो पावर फ्लेक्स है वो भी बिल्कुल सेट है। तो इसको देखिए कस्टमर ये भी नया मिल रहा है, बैटरी भी नया मिल जा रहा है, इसको ओरिजिनल डिस्प्ले भी मिल रहा है। तो ये डिस्प्ले चेंज करने इस कस्टमर का A to Z सब कुछ फायदा है। तो ये मॉडल में डिस्प्ले में जब परचेस किया ना, मैं देखकर पहले भी मैं भी चमक गया था, जो इसको मतलब ये डिस्प्ले साथ इसको बैटरी भी मिल रहा है, मिडिल फ्रेम भी मिल रहा है, इसके साथ पावर फ्लेक्स सब कुछ A to Z समझो 100% ओरिजिनल, ईयर स्पीकर भी है, ठीक है। तो इसको चलिए इसको मैं सेट करके ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ क्वालिटी भी कैसी है। और प्राइस का जो बात कर रहा था, तो प्राइस आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे प्राइस मैं शेयर करूँ, वहाँ पे प्राइस मिल जाएगा। तो चलिए नीचे का जो चार्जिंग बोर्ड है, ईयर स्पीकर जो मतलब जो रिंगर बॉक्स है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए इसको देखिए रिंगर बॉक्स को ओपन किया, अभी जो चार्जिंग बोर्ड है उसको वहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए बहुत सारे मॉडल में जो मिडिल फ्रेम चेंज करने के लिए मैं जो वीडियो दिखाया था आप लोगों को, तो मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें देखिए ना जो चार्जर मतलब जो पावर फ्लेक्स है, ईयर स्पीकर है, सब कुछ उसमें उठा के लगाना पड़ता था, लेकिन इसमें देखिए A to Z सब कुछ है, सेफ इसको बोर्ड को उठा के लगा दीजिए बस, बैटरी भी है, ईयर स्पीकर है सब, इसको मतलब इसको सेम नीचे का चार्जिंग बोर्ड लगा दीजिए, ऊपर का बोर्ड लगा दीजिए, सेटिंग कीजिए बस छोड़ दीजिए। साइड में देखिए पावर फ्लेक्स वो भी मतलब लगा दिया, तो कंपनी वालों में A to Z सब कुछ सेटिंग किया। तो इसको प्राइस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग देख भी चुका है अभी तक। तो चलिए इसको मैं इसको जो ईयर बॉक्स है मतलब ईयर रिंगर बॉक्स है, इसको मैं सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद फिर ऑन करके आप लोगों को दिखा दो, ठीक है। तो चलिए दो स्क्रूप लगा दे, अभी चलिए इसको ऑन करता हूँ, ऑन करके आप लोगों को दिखा दो। मतलब इसको जो क्वालिटी में ओरिजिनल, तो A to Z आप लोग देख भी समझ गया, मतलब बैटरी भी कस्टमर को मिल गया, फायदा है। तो अभी चलिए इसको ऑन करता हूँ। तो इसको ये टेनर D2 मॉडल है, ठीक है। तो D2 मॉडल में इसको डिस्प्ले में कंप्लीट इसको ओरिजिनल मिल जा रहा है, इसको तो कस्टमर का फायदा है, फायदा 100% ओरिजिनल डिस्प्ले, क्या ओरिजिनल डिस्प्ले है। तो ठीक है, देखिए इसको ऑन हो रहा है, तो क्वालिटी आप लोग भी अभी अभी पता चल जाएगा। देखिए टेनर डी जो इसको टेनर लिखा आ रहा है ना, तो इसको कंप्लीट
जो क्वालिटी कैसे, तो ये देखिए इसका साइड पे फ्लेक्स भी नया मिल जाएगा, मतलब मिल गया कस्टमर को, बैटरी भी नया मिल गया, ये बैटरी भी कितना दिन कस्टमर यूज़ किया तो वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो उसको देखिए वो नीचे का जो चार्जिंग फ्लेक्स है वो भी उसके साथ बैटरी के नीचे लगा हुआ जो चार्जिंग फ्लेक्स है, ठीक है। तो ए टू जेड कस्टमर को मिल जाए नया, इसको मतलब क्या बोलूँ इसको, मतलब 100% क्या ओरिजिनल मिल गया कस्टमर को। तो देखिए टास्क काम कर रहे थे कितना अच्छे तरीके से, टास्क भी काम कर रहे हैं देखिए, तो बिल्कुल एक क्या ओरिजिनल डिस्प्ले। इसको प्राइस आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए गाइस। तो इसको डिस्प्ले तो कंप्लीट, मतलब अलग से सेटिंग करने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल सेट ही है, सिर्फ उसको बोर्ड को उठाए लगा दीजिए बस, कहीं नहीं खत्म, ठीक है। तो इसको देखिए पासवर्ड तो कस्टमर क्या बोले था मतलब याद नहीं है, तो इसको चले जाइए इमरजेंसी कॉल करके आप लोग को मैं दिखा देगी। पासवर्ड तो कस्टमर तो बोल के कि नहीं गया था, तो चलिए इसको मैं इसको देखिए टास्क देखिए बिल्कुल सही है, क्वालिटी बिल्कुल 100% ओरिजिनल ही है, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, तो इसको वीडियो देखकर आप लोग अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग कुछ जानना भी चाहते तो बिल्कुल मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए बिल्कुल तो इसको जो मिडिल फ्रेम चेंज कर दिया कंप्लीट, इसको साइड में नया बटन भी मिल गया, इसको बैटरी भी मिल गया, इसको कंप्लीट मतलब मिडिल फ्रेम साइड में टूटा भी है, पुराना वाला एलजी में इसको साइड में टूटा भी है, इसको तो मिडिल फ्रेम भी मिल गया, देखिए साइड में कोने में देखिए इसको टूटा हुआ देखिए कोने में, तो बिल्कुल सब कुछ ओरिजिनल। थैंक यू गाइस, तो आज के लिए इतना गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।